तो देख लो भाई गाड़ी कैसी फंस गई थी यार मेरी। कुल्लू मनाली हवाई अड्डा। शाही रोपा गुशैणी पहुंच गए हम पेखड़ी। नमस्ते सलाम सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग जी, कैसे सभी। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज तुम्हारा भाई था 3 दिन से छुट्टी में भाई, तो माता के वहाँ गया था। तो थोड़ा मेरा भांजा हुआ है बड़ी दीदी का लड़का ओन का, तो वहाँ गिंदराला था वहाँ गया था, जो मामा की जो थी सब कुछ देखा होगा आपने। थोड़ा मैं बता नहीं पाया क्योंकि मेरे साथ कोई कैमरा मैन था नहीं, जितना उसका था मैंने उतना बता दिया है। बाकी जो भी मेरी थे हमारे कल्चर के हिसाब से सब कुछ हो गया एकदम टना टन डना डन। तो आ जाओ मैं गाड़ी पे, फर्स्ट ट्रिप हो रहा है मेरा 10 का लोड। क्यारी पे कोई पानी मार रहा है, कोई लोडिंग कर रहा है, कोई प्लान कर रहा है। ऊपर देखो भाई सारे ये सारे ट्रक वाले सुबह सुबह पावर फुल पावर स्टार्ट किया हुआ है। और भाई जी यहाँ देखो धूल और पानी, तो कुछ टाइम बाद जो ये चीज है ये आपको बर्फ के रूप में मिलेगी जिसको कि पहाड़ा कहते हैं भाई। और अभी तक धूप नहीं आई है, 8 बज गए भाई, 8 बज के यहाँ धूप नहीं आती है। यहाँ 9:30 बजते हैं आजकल, और जिस दिन पूरी सर्दी हो जाएगी उस दिन भाई पूरे 10 बज जाएगी धूप। हाँ जी धूप आ गई है और अब मेरे मजे लग गए हैं। गाड़ी मैंने साफ कर दी है, अनलोडिंग हो गई है, और जो हमारा गाड़ी जो नेक्स्ट ट्रिप जो हमारा लग रहा है वो लग रहा है बंजार का। बंजार से आगे जो पेखरी जो मैंने ऊपर आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड बताया था वहाँ, शायद मैं टॉप पे नहीं जाऊँगा, टॉप से थोड़ा नीचे ही जाऊँगा। तो इसमें इस बार है डबल मटेरियल लोड, नीचे पेवर लोड है ऊपर से टाइले लोड है। तो टाइले उतरेगी बंजार से पीछे, पेवर्स उतरेंगे बंजार से आगे जहाँ मैं पिछला ब्लॉग भी था हमारा वहाँ गया था। तो गाड़ी लोड है, लोड गाड़ी में आपको बाद में बताऊँगा क्योंकि जहाँ भी मैंने गाड़ी लोडिंग पे ले आई यहाँ से उतरने के लिए है नहीं। तो अभी गाड़ी लोड होने के बाद जाएंगे सीधा, चलो पहले क्या था जहाँ जाएंगे वहाँ मिलते रहेंगे, बाय बाय मिलते थोड़ी देर बाद। कुल्लू मनाली हवाई अड्डा। ये भाई गाड़ी में लोड देख लो, पेवर टाइल टाइल और पेवर, फुल पावर लोडिंग है। और अब हमने जाना है हाईवे की चंडावा। आज हम खाने में खाली चपाती लेंगे, नो चावल नो दाल। दोस्तों खाना खुना खा के हम पहुंच चुके हैं बनाला, फुल पावर गाड़ी गेड़े गेड़े में चले भाई, 4 लाइन बनाया, रोड एकदम बढ़िया है। बाकी ऑट के पीछे से हमारे को लेफ्ट लेना है, लेफ्ट साइड से हमारे को जाना है सीधा बंजार। तो चलो चले मजे मजे फुल पावर, इंजॉय करते करते निकलेंगे, गाने बजाते बजाते बढ़िया। दोस्तों एलएनटी लगी है रोड में, शायद भाई इस रोड का काम चला हुआ है, ये शायद मतलब कि जो खराब पॉइंट है ना इनको थोड़ा खुला कर रहे हैं, मतलब कि देखते आप ट्रक और कार का एक्सीडेंट हो गया है। बट मैं परे जा रहा हूँ अभी, ये जो चीज़ है मैं नहीं बताऊँगा भाई क्योंकि आपको पता मैं एक्सीडेंट वाली चीज़ें नहीं बताता ना, मैं इन चीज़ों से प्रमोट होना चाहता हूँ। तो अभी जाम लगा हुआ है यहाँ पर, पीछे से भी एक दो गाड़ी आ गई है, अभी पता नहीं कितना देर बैठना पड़ेगा यहाँ।
चलो जाके आता हूँ, पर फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ से बाली चौकी थोड़ा दूर रह गया है, फिर बंजार, फिर उसके बाद बंजार से पीछे पहले हमारे को वो करना है कि हमारी टाइलें उतरनी है। अपना गुशैणी 10 किलोमीटर। भाई मेरे को यहाँ आना, ये देखो ये रात को इसने ड्राया मेरे को यहाँ यार, कसम से यार सच में सर तुझे ससली का ये देखो। तो हाँ जी, यहाँ से सफ़र आधा बच गया है। तो ऐसा बोल रहे कि जहाँ सबसे पहला ट्रिप टॉप पे वहाँ गए थे वहीं जाना बोला। चलो गुशैनी पहुँचते हैं पहले, फिर निकलते ऊपर को। हाँ जी दोस्तों, गुशैनी पहुँच गए हम फुल पावर। अब हम यहाँ से जाना हमारे को लेफ्ट साइड, कितना जाना, कम से कम 7 या 8 किलोमीटर और ऊपर जाना है यहाँ से पेखड़ी 9 किलोमीटर। ये अपना गुशैनी, ये अपना पेखड़ी रोड। तो हाँ जी दोस्तों, पहुँच गए हम मनहार विलेज। तो आज हम ड्रिल उतार दिया यहीं, जो व्यू पॉइंट है वहां पर मैं रुका नहीं क्योंकि ये बंदा आ गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गया। व्यू पॉइंट में आपको वापसी में बताऊंगा। तो आधे बोल रहे यहाँ से ऊपर जाना है कहीं, फिर वहां से भी आधे लाल वाले और ले आने हैं। तो बाकी बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि जो सफेद वाले वो पीछे लुढ़के हुए हैं, बाकी लाल वाले जो आगे लुढ़के हुए हैं। तो लाल वाले भी इनको आधे चाहिए, तो अभी लाल वाले उतरे नहीं है, सफेद वाले आधे उतर गए। तो अब सफेद और लाल आधे, फिर लाल आगे वाले आधे बच जाएंगे, वो उतारने हमने वापसी में फिर से यहाँ। पेखड़ी रोड का एंड होता हुआ लास्ट पॉइंट बस स्टैंड, बिलो लगी साइड में। ओ भाई पहुंच गए यहाँ हम, पहली बार आया मैं यहाँ आज। गाँव गूँ भाई काफी बड़ा है ऊपर, तो गाड़ी बोल रही है आगे उतारने को कहीं। पहुंच गए हैं, जिनका उतारना मटेरियल वो भी आया नहीं है। तो यार बहुत लेट हो गए, 4 बज गए भाई, थकिया मैं तो बुरी तरह। तो करते हैं खाली, आज तो रात हो गई भाई, पूरी तरह से रात हो गई आज, दिखती बात है आज रात होनी है। तो चलो बंदे का इंतज़ार करते हैं, आने देते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो देख लो भाई गाड़ी कैसी फंस गई थी यार मेरी, बड़ी मुश्किल से निकाली भाई, हाथ में छाले पड़ गए यार खुद। यहाँ उतारी मैंने, देखो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, 600 है खुदाई हुई थी बुरी तरह। ओ देखो भाई परे जाके, हाँ जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं भाई टॉप पे बिल्कुल। तो एक टॉप का मैंने ऊपर से व्यू बताया था आप सभी को। तो अभी धूप चले गई है भाई, 5 बज गए हैं, आधे घंटे में अंधेरा होने वाला भाई यहाँ। तो गाड़ी मैंने साइड में लगाई है, हवा हुआ मार रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ। तो बस मेरे को जहाँ भी गाड़ी का लगता है कि साफ़ करना चाहिए मैं करता हूँ भाई, चाहे कुछ हो जाए। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगा, बाकी व्यू तो यहाँ का आपको पता मस्त है। चलो गाड़ी साफ़ करता हूँ, फिर हाथ मुँह धो के सीधा निकलते हैं यहाँ से घर को। तो दोस्तों अकेले ही सफाई करनी पड़ रही मेरे को आज, चिल्ला नहीं ना, चिल्ले की याद आ रही बहुत मेरे को। मैंने सोचा ऐसे लेट तो हो ही गया हूँ, ऐसे तो मैंने साफ़ करके वही करनी थी ना। शाम के टाइम में बहुत कम ही साफ़ करता हूँ, क्योंकि जाती बार मेरे को टाइम नहीं लगा कहीं रेस्ट करने का, क्योंकि दूर का सफ़र था, मैं रुका ही नहीं। अगर कहीं मैं रुका होता ना तो मैं मतलब रास्ते में ही साफ़ करता हूँ, क्योंकि आती बार ही मेरे को पता कि टाइम किस तरह वो करना मैंने। तो इसलिए मैं अभी साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि लेट तो हो ही गया हूँ भाई, रात तो आज होनी है। तो इसलिए मैंने बोला चल गाड़ी गुड़ी साफ करके बढ़िया होके चलते हैं फिर, क्यों सही बोला कि नहीं। बाली चौकी पहुँच गए और यहाँ भाई बड़ा लंबा जाम लगा है, मतलब कि आधा एक घंटा लग जाएगा भाई फिर से यार, जाम ही जाम लग रहा है यहाँ, पता नहीं क्यों। तो
यहाँ मैं जब भी आता हूँ दिन को हूँ शाम को हूँ जब मर्जी आऊँ यहाँ जाम ही मिलता है यार, तो बहुत लेट हो गया हूँ आज मैं तो। जी एक और जाम लग गया थे आज, जाम ही जाम लगना भाई, मेरे को लगता आज नहीं पहुँचने वाला रह गया। दोस्तों पहुँच गया मैं घर के वहाँ, तो कुछ नहीं करते इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा, सब जरूरी बात लगता है बिलों में सनराइज हो गई है, थोड़ा ढंग से चल नहीं रही है, तो चलो मिलेंगे कल हम एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। ख्याल रखो अपना, आसपास सफाई बनाए रखो, दबा के मेहनत करते रहो भाई। जय हिंद जय भारत, लव यू ट्रक वर्किंग।